नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज दोस्तों बात करने वाले बैलेंस फाइनेंस लिमिटेड की। दोस्तों आज बाजार बंद है, कल शेयर का प्राइस था 52 रुपये और 70 पैसे, यानी 52 रुपये 70 पैसे, लगभग 1 रुपये और 40 पैसे के मार्केट में तेजी गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों कल मैंने बताया था कि सोमवार को आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं मंगलवार को आपको क्या कुछ करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए। तो ज़्यादा पैनिक मत करना, दोनों दिन के अंदर दोनों सोम मंगल दोनों के बारे में बता दूंगा क्या करना चाहिए। एक घंटे का दोस्तों चार्ट में देखोगे मार्केट में अच्छा खासा तेजी आया है। सपोर्ट दोस्तों मेन सपोर्ट 40 रुपये का है और सेकेंडरी सपोर्ट दोस्तों 44 रुपये का है। 44 रुपये का दोस्तों सपोर्ट है सेकंड, और फर्स्ट सपोर्ट है 40 रुपये का। सोमवार को दोस्तों मार्केट में आपको 1 रुपया 20 पैसे लेके 2 रुपये तक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। सोमवार को दोस्तों आपको 1 रुपया 20 पैसे से 2 रुपये का देखने को मिलेगा तेजी, और मंगलवार को दोस्तों दोनों सेम है, 1 रुपया से लेके 1 रुपया 20 पैसे से लेके 2 रुपये तक सोम मंगल दोनों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और 2 महीने के अंदर जो हम लोग को दोस्तों टारगेट बढ़ चुका है, 2 महीने का दोस्तों हम लोग को टारगेट वो लगभग 72 रुपये, तो इसे दोस्तों हम लोग कंप्लीट करना चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिलहाल आपको खरीदारी करना चाहिए और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। और पिछले दोस्तों एक हफ्ते में देखोगे 12.85% का अच्छा खासा रिटर्न दिया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद मार्केट में रिकवरी शुरू है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कल देखे मार्केट में 2 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट में कामकाज हो रहा है, तो अच्छे खासे लोगों ने दोस्तों खरीदारी करना दोबारा शुरू कर चुके हैं। वहीं दोस्तों बाइंग सेलर अपडेट के ऊपर नजर डाले तो ज़्यादा आपको क्लियर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी अच्छे खासे लोगों ने खरीदारी किया है, लॉन्ग टर्म में रखा है, इसलिए आपको भी लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए।